हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो बी ए सॉल्यूशन। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हेयर फॉल ट्रीटमेंट। गाइस, हमारा हेयर फॉल क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए और ये हमें सैलून में जाकर कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उन्हीं सारे क्वेश्चंस के मैं यहाँ पे आपको आंसर देने वाला हूँ। मगर इससे पहले आप मेरे चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर ले। ठीक है गाइज, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, यहाँ पर काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं रेगुलर। ओके गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जो कि आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली हेयर फॉल क्यों होता है हमारे हेयर में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इसके एक स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हम शैम्पू कोई गलत यूज़ कर रहे हों, हम फील्ड में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, मतलब हम फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा स्कैल्प में हमारी जा रही है, ये होता है। एंड हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑयल हमें सूटेबल हो भी रहा है हमारे हेयर को या नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गाइस जिसकी वजह से, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बढ़ता जाता है अगर हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें सबसे पहले शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, अगर गाइस हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो हमें इंस्टेंट क्लियर का शैम्पू यूज़ करना चाहिए। इंस्टेंट क्लियर लॉरियल का शैम्पू है, ठीक है गाइज, वो हमारे स्कैल्प को बिल्कुल क्लियर रखता है, डेंड्रफ डस्ट एकदम बिल्कुल निकाल देता है, ठीक है, एकदम हमारे स्कैल्प को क्लियर रखेगा, वो हमारा जो स्कैल्प होता है हेयर का उसको बिल्कुल क्लियर रखता है। ओके गाइज, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प क्लियर रहता है एंड हमारी हेयर की अच्छे से ग्रोथ होती रहती है। जो हमारा सेकेंड जो चीज़ है वो है ऑयल, ठीक है गाइज, जो हम सेकेंड जो ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल हम देख कर यूज़ करें, ऑनियन ऑयल आता है एक, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑनियन ऑयल है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको कैसे लगाएं गाइज, देखो जब भी ऑयल लगाते हो, जब हम फ्रेश होकर आते हैं, ठीक है, आपको गीले बालों में कभी भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, गीले बालों में कभी भी ऑयल मत लगाइए। अगर आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है और अगर वैक्स या स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करते तो पहले ड्रायर कीजिए, ड्रायर के बाद आप दो या तीन ड्रॉप्स ऑयल की लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टिकी लुक नहीं आएगा हेयर के अंदर, नॉर्मल ही रहता है, बस एक ड्रॉप्स ले लीजिए, एक या वन या टू ड्रॉप्स ले लीजिए, उसको आप हेयर में ऐसे मल्टीफाई करके ऐसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया क्लियर, सेकंड हो गया मैंने आपको शैम्पू बता दिया कौन सा यूज़ करना है हमारे जिससे स्कैल्प क्लियर रहे। एंड जो हमारा जो सेकंड जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया, ऑयल कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको थर्ड जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है केयर। आप अपने हेयर की केयर कैसे करते हो, ठीक है, आपको अपने हेयर रेगुलर वॉश नहीं करने, ठीक है, रेगुलर हेयर वॉश नहीं करना, हफ्ते में दो या तीन बार हेयर वॉश करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम केमिकल, देखो यार शैम्पू में भी केमिकल ही है, ठीक है, केमिकल जितना भी हम अपने नेचुरल चीज़ पे यूज़ करते हैं हेयर पे यूज़ करेंगे हम, वो उसकी वीकनेस तो आएगी ना, ठीक है, तो ये फैक्ट है, देखो केमिकल वीक करता है हेयर को। आप नॉर्मल जो मैंने आपको ये जो शैम्पू बताया ये काफ़ी लाइट शैम्पू है एंड हमारा स्कैल्प बिल्कुल क्लियर रखता है, बट ये हार्मफुल नहीं है शैम्पू, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको हर्बल शैम्पू यूज़ करना है, जैसे कि देना जी आता है एंड शिकाकाय आता है, ठीक है, दो तीन शैम्पूज है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हर्बल शैम्पू के साथ आप जाना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारी आता है थर्ड जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था वो आता है केयर। फर्स्ट हमारा हो गया क्लियर, शैम्पू, ठीक है, एंड जो हमारा सेकंड था ऑयल, एंड जो हमारा थर्ड है वो है केयर, हेयर केयर आपको कैसे करनी है अपने। ओके, अब हम उसी के ऊपर बात करेंगे, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, अब ये लास्ट ये चीज़ रह रही है, अब मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे करना है। जब भी आप फ्रेश होकर आएँ तो ऑयल मत लगाइएगा, ठीक है, ड्राई करने के बाद ऑयल लगाइएगा, ऐसे करना है ऑयल वाला।
अब मैं आपका तो अब मैं आपको बताता हूँ केयर गाइज, हमें रेगुलर शैम्पू नहीं करना। रेगुलर हमें शैम्पू इस वजह से नहीं करना क्योंकि उसमें केमिकल होता है। आपको वीकली में सिर्फ 3 बार हेयर वॉश करना है, चाहे आप फील्ड में रहते हो, चाहे आप नॉर्मल हो, ठीक है, या आप घर में बैठे हो या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, सिर्फ आपको 3 बार ही हेयर वॉश करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड जो क्लियर हो गई, हमें जब टॉवल करते हैं तो हम ऐसे उसको मर्ज ना करें अच्छे से, ठीक है, नॉर्मली बस करके एब्जॉर्ब करके उसमें से पानी हेयर में से और वो कर दें, क्योंकि जब हम ऐसे कुछ करते हैं टॉवल से अपने हेयर को ज़्यादा से ज़्यादा रब करते हैं, वो हमारी स्कैल्प के जो हमारे हेयर होते हैं, जो वीकनेस वाले हेयर होते हैं, वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं, ठीक है। तो हमें उनको, जो हमारे बेबी हेयर होते हैं, हमें उनको तोड़ना नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे टॉवल से एब्जॉर्ब करें पानी को और देन फिनिश। जो हमारा थर्ड है, जब भी आप फील्ड में जाएं, जब भी आप फील्ड में जाएं या आप कोई बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप हैंकी लगाएं पहले और उसके बाद ही हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट के अंदर जो स्वेटिंग होती है ना गाइस, जब हेलमेट ऐसे अप डाउन होता है, ठीक है, हिलता है काफ़ी ज़्यादा, वो हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। आपने देखा होगा, ओके, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है इन चीज़ों से। इन चीज़ों में आप केयर करें अपने हेयर की। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड गाइज, एक हमारा टॉपिक रह ही गया, मैं अभी बताना उसको भूल ही जाता, देन अगर हम सलून में जाते हैं तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए हेयर फॉल का। गाइज, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी जो यहाँ पे आपको शो भी हो रही होगी, यहाँ पे मैंने उसको आप वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट जो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर समझा रखा है कि MNXL जो हमारा एक लिक्विड होता है, वो स्कैल्प के अंदर कैसे पेनिट्रेट होता है, ठीक है, एंड उसके अंदर क्या चीज़ होती है। आप उस वीडियो को पूरा जाके देखें, ठीक है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए। और उसके अंदर मैंने सीटिंग्स भी बता रखी हैं कि प्रॉपर, अगर उसके अंदर सीटिंग्स बता रखी हैं मैंने यहाँ पे, कि उसके कम से कम 4 या 5 सीटिंग्स आपको लेनी है सैलून में जाने के बाद, उसके बाद आपका हेयर फॉल 80% तक कंट्रोल हो जाएगा। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। ओके गाइज, बाय बाय।